राम राम भाई, कैसे हो सारे? आ जाइए, हम अपने गौम में का मंदिर में जा रहे हैं। भीड़ लग रही है मंदिर पे, बढ़िया वाड़ी भाई की। ये हमारे गौम का बहुत पुराना मंदिर है, अभी आया हुआ थोड़ी देर में। ये भट्टा जहाँ शूटिंग करी हमने, है ना रे? हाँ, आधी शूट अप हो जा रही। दोस्तों, हम आए आज अपने बनीवाड़े मंदिर पे, आपको दिखाएंगे बनीवाड़े बाबा की जय। आज आपको दिखाएंगे हम अपना बनी वाला मंदिर, जो कि प्राचीन काल का बहुत फेमस मंदिर है। हमारे गांव में बनी वाले मंदिर की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। मौसम अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं। अब मैं ना भाई बता देता हूँ, हमारे गांव में ना तीन मंदिर है। तीन मंदिर में से सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाला मंदिर ना हमारे बनी वाला मंदिर ही है। तो ये देखो, बहुत लंबा थोड़ा एरिया है हमारे बनी वाले मंदिर का ना, बहुत सारी भीड़ रहती है, बहुत पब्लिक आती है। हर मंगलवार को और हर शनिवार को मोस्टली भीड़ होती है। ये हमारे मंदिर का एंट्रेंस है, छोड़ दो दिक्कत ना। जय बनीवाड़े की। उसके अभी हम मंदिर में कथा बच रही है भाई, आज हमारे मंदिर में हमारे मंदिर में ना करीब तीन महीने तक कथा चलेगी, उसके बाद कोई प्रोग्राम होगा, लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। यू आ गए, यू पौने धो लो। अभी चलेंगे मंदिर में भीतर। उसके बाद ये देखो मंदिर हमारा, ये मंदिर का मैनेजमेंट सचल, इसमें बहुत सारे देवी देवता रखे हुए हैं। हमारे गांव में मोस्टली लेडीज जेंट्स सभी आते हैं हमारे मंदिर में। चलो अभी आते हैं, सभी अभी दर्शन करवाएंगे भाई, हर भगवान ते, हर मूर्ति ते, हर देव देवता ते। अभी दिखाते हैं हम आपको चरण पादुका। शिवलिंग भोले बाबा महादेव के दर्शन कर ये हमारे भोले बाबा जी।
यहीं तो उतर जाओ, यहीं से उतरो, क्रॉस ना करे करे बैठे ना। हाँ जाएगा भाई, अभी तक देखो ही कहा। ये हमारे बाबा जो बनी वाले बाबा है, ये मैन जो बाबा के चरण है ना, वो ये है मैन मंदिर हमारे बनी बाबा का, ये है। और अभी आपको दिखाएंगे हम शनिदेव की मूर्ति, जो कि हमारे गांव में शनिदेव की मूर्ति का भी प्रस्थान किया कुछ टाइम पहले ही। ये देखो दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ, हमारे यहाँ ना एक बाबा जी है जो धूने पे तपते हैं। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये धूना लगा हुआ है, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ये धूना लगा हुआ है। बाबा सिर्फ ना धूने पे ही रहते हैं परमानेंट। आपको एक बार अभी दिखाता हूँ, ये हमारे गांव के बुजुर्ग लोग जो कि अपना हुक्का के साथ टाइम वेस्ट करते हुए भाई आ जाओ। अभी हम आपको दिखाएंगे धूनी वाला बाबा जो कि अपनी धूनी पे ही रहते हैं मस्त। ये भाई मंडली बैठी है हमारी, मंडली किस टाइप की हो आप समझो। आज भाई आज मंगल हारी दशरथ बिहारी आ जाओ, एक बार दर्शन कर ले फिर बैठते हैं। जिसके दिमाग में भाई दुनिया भर का ट्रेस घूम रहा हो ना, और जिसका दिमाग में शांति नहीं आ रही हो, हमारे यहाँ मंदिर पा जाओ, इतनी गजब शांति है ना यहाँ। दो मिनट हर चीज भूल जाओगे यहाँ आके, इतनी शांति फील होती है यहाँ। तो अभी आपको दिखाएंगे, अभी आपको हम दिखाएंगे हमारे मंदिर के जो मेन बाबा है, बाबा दिखाएंगे जहाँ रामायण पढ़ी जा रही है, वो स्थल दिखाएंगे हम आपको। चल भाई ये हमारे मेन बाबा है, जो हमारे बनी वाले बाबा है वो ये है बाबा। यहाँ ये हमारे महाराज जी है, ये रामायण पढ़ी जा रही है भाई यहाँ। ये हमारी समस्त मूर्तियाँ स्थापित है। जय सियाराम, जय महाराज जी।
जब हमारे टाइम पे ना घंटा रे हाथ उनते बजा करे, ये मशीन आ गई अभी। अब आरती करो। बस बस बस। आ जाओ। हमारे इस मंदिर की विशेष खूबिया ये है कि इधर प्रसाद ना सिर्फ मुट्ठी भर के दिया जाता है। प्रसाद ले लो आप। तो दोस्तों हमारी बहुत बड़ा मंदिर है, इसमें बहुत ज़्यादा बनी है, बहुत अच्छा एक तालाब भी बना हुआ है, चारों तरफ इसका परिक्रमा करने का एरिया है। तो हमारा गांव बहुत मोस्टली इसको पूजा करता है। चलो अभी बहुत काफ़ी अंधेरा हो गया है, वीडियो साफ भी नहीं आ रही, समझ में भी नहीं आएगा, तो यहीं पे हम अपने बनी वाले बाबा का नाम लेके समाप्त करते हैं। जय बनी वाले बाबा। अभी थोड़ा सा शाम होगी, किस दिन अगले ब्लॉग में दिखाएंगे हम आपको, हम आके आएंगे। हाँ, कभी तसल्ली से आपको अच्छी चीजें दिखाएंगे, इसमें गुफा भी है वो भी दिखाएंगे हम आपको। ओके, बनी वाले बाबा की जय।